यार आपने किसी लड़के को देखा? आपकी सुनहरी सी दाढ़ी है, पतला सा है। रोड रोड मर भी गया करूंगा। अरे मैं नहीं रो रहा, तेरा दिल कोई जब भी दुखा। मुझे यहाँ पे लेके क्यों आई मुझे ये बता दो। तुझको ये मेरा प्यार आएगा। चला जाऊंगा, नहीं मर रहा। बुला देंगे तुमको सनम जीरे। अगर मैं अपनी पे आ गया तो फिर बता दूंगा। अभी मैं जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी ना मेरे पास जस्ट शकुन जी की कॉल आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा प्रिंसी तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ और कुछ पता नहीं क्या। एक तो इतनी हड़बड़ हुई, मैं वो सारी चीज़ें बोल रहे थे, मुझे वो ना बहुत टेंशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो दिल्ली क्यों बुला रहे हैं ऐसे अचानक से। और कल ही मेरी बात हुई थी कि वो मतलब कपिल जी उन्हीं के पास गए थे। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं वहाँ जा कर देखती हूँ कि क्या बात है। वो खैर उनके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, जो भी है मैं जैसा भी है मैं आपको सारे अपडेट्स देती हूँ। यार क्या बताऊँ, एक तो इनके दिमाग का भी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस, मैं ये रजौरी गार्डन पहुँच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी हड़बड़ी में क्यों बोल रहे थे यार, ये क्या सीन है यार। वो बोले कपिल की ये हालत। अरे भैया सुनो ना, एक मिनट। यार आपने किसी लड़के को देखा? पतला सा लड़का है, उसकी हैवी सी दाढ़ी है और सुनहरी सी दाढ़ी है उसकी थोड़ी थोड़ी। आपने देखा है उसको यहीं कहीं आसपास? यार इनको अंकल, आपने किसी पतले से लड़के को देखा है? उसकी सुनहरी सी दाढ़ी है, पतला सा है। नहीं यार उसको देखा नहीं, मैं तो अभी बस से उतरा हूं। अभी उतरे हो क्या? हाँ। आपने देखा नहीं, मतलब आपको रास्ते में नहीं कुछ नहीं, कोई खो गया क्या? हाँ वो सुबह से है एक हमारा दोस्त। अरे उसका फोन ही नहीं लग रहा है, उसको कहाँ देखें। आओ प्रिंसी आगे देखते हैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाए। क्या हालत बना के रखी, क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? यहाँ दूर दूर तक के। अरे 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 लग जाएगी। क्यों ड्रामे करो यहाँ पे, और वो रोड है। प्लीज इनको कहीं बैठा दो, मत ले चलो अभी, इनके लिए दवा वगैरह कुछ वो करो ना प्लीज। कपिल यार उधर मत लेके जाइए ना यार प्लीज, मुझे डर लग रहा है यार। आप बताओ ना आपका कहाँ है आपका घर, मैं रुकवा देती हूँ प्लीज। कब यार रोड रोड यार क्या हो रहा है ये कपिल, क्यों ये हालत बना के रखा है ये लड़का, क्या करना चाहते हो आप यार? एक तो प्लेस है यार, अरे लग जाएगी। उधर नहीं यार प्लीज, भगवान उठा के ले चलता हूँ मैं तुझे। अरे लग जाएगी, आप अपने होश पे नहीं हो कपिल जी, प्लीज यार होश पे नहीं हो आप यार। कपिल जी की अरे गिर जाओगे, फोकल हो गया यार, क्यों पीते इतना? अरे यार मुझे मैं चला जाऊं, क्या करके रखी हो अपनी हालत, इनको प्लीज कुछ करके लेके चलो ना। तुझे मैंने रात में बोला था, इतना समझाया था कि प्रिंसी को मत आने देना कुछ भी। क्या प्रिंसी तुम्हें प्रॉब्लम, मुझसे क्या है मुझे ये बता दो आपकी हालत अभी नहीं। अच्छा ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तुम पहले इसको बंद करो, इसकी वीडियो बनाओ, जब इसको होश आएगा ना तब दिखाना इसको कि इसने क्या ड्रामे करे। यार शकुन जी आप पकड़ो, मैं से नहीं पकड़ा जा रहा है। अरे तुम इसको नहीं संभाल पाओगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। मैं वो यार लोग देख रहे हैं यहाँ, ये क्यों नहीं देख रहे हो? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, उठो उठो। अच्छा मैं बोल रही ना, चलो 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 उठो 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 यार, क्यों यार मेन रो रही है, तुम परेशान करके रख दिया यार ये लड़का। क्या चाहते हो मेरी, मैं ही हूँ ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम। तुझे मैं बोल रहा हूँ मेरे से दूर हट जा तू। यार उधर गाड़ी आ रही है, उधर कहाँ जा रहे हो? रुको ना। कपिल जी यार, हे भगवान क्या मुझे यहाँ पे बैठ जाने दे। क्या हालत बना के रखे हो यार, मैंने तुझे रात में बोला था ना प्रिंसी मेरे से अलग होना चाह रही है। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, आपको क्यों लगता है यार, आपको क्यों लगता है ये हालत बना के क्या रखी है आपने अपने आप की। उसे दिल जो लगाया इनको थोड़ा होश में लाइए, ठंडा पानी पड़ेगा ना ये तभी। इनको लेके चलिए आप वहीं पे,
कुछ नहीं हुआ है, ये जो नशे में हालत अपनी करके रखे हो, आग फूटने से कुछ नहीं होता। आग भी फूट चला गया। ये बीच रोड में तमाशा करके रखे है लड़का, पता नहीं क्या चाहता है एकदम से। अब आग में लग गई, अब आग साफ करो इसकी। कैसे हो तूने तो पता नहीं यार, हमें क्या ही समझ रखा है यार। ओए अब चुपचाप चलेगा कि नहीं तू राजी से? अरे यार क्या तुम भूली मैं तो पकड़ो। हालत ऐसी बना के रखा है अपने यार। तो पीछे गाड़ी आ रही है यार। हालत में मुझे टोटल में मैं उठा के नहीं उठा के। आप इनको उठा के ही लेकर चलो, ये कुछ भी ड्रामे करेंगे कि मत सुनो आप। रिक्शा में बिठाते हैं यार। वो रिक्शा आ रही है उसी में बैठा दो इनको। कितने भी ड्रामे करे कुछ मत सुनो इनकी, लेके जाओ इसको। प्रिंसी बैठो, चलो बैठो, इसको बंद कर लो, बैठो। यहाँ पे क्यों लेके आई हो मुझे? आपकी हालत क्या थी आपको पता भी है? सकुन कहाँ गया? सकुन जी गए अपने वहाँ। कहाँ गया? और मुझे यहाँ लेके क्यों आई हो तुम? पहले मेरी बात सुनो। हाँ। आप जिस हालत पे थे ना, उस हालत पे आपको कहीं नहीं ले जा। मुझे अकेला पूरी मीन कहीं अकेला छोड़ दो। हाँ क्या मतलब है आपका? किस हालत में आप डिले? आपको अंदाजा भी है? है अंदाजा कुछ? हाँ जो भी हालत है मुझे छोड़ दो अकेला। तो मैं जिसके साथ रहना है ना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, जिसके साथ रहना है वहाँ जाओ तुम। हेलो दोबारा ये चीजें मत बोलना। बोलूंगा हजार बार बोलूंगा, तुम रोकोगी मेरे को? चिल्लाऊंगा मैं यहाँ पे आपको ठीक करने के लिए लेकर आई हूँ। ठीक करने के लिए नहीं, और बीमार करने के लिए नहीं। अभी वो आएंगे आपके लिए, दवा लेकर आएंगे। आप वो दवा को तो मैं मर रहा हूँ, दवा लेके आएंगे। क्या हालत बना के रखी अपनी, हालत देख रहे हो? और रो क्यों रहे हो मेरे को ये बताओ तो। हाँ क्यों रोना आ रहा है आपको? मेरी तरफ देखो, रो क्यों रहे ये बताओ। क्या हालत हो गई है कपिल की? क्या हुआ है प्रिंसी? यार वो बेन अननोन इंसान कॉल करके बता रहे कि इनकी ये रोड पैसे पड़े हुए हैं। भाई क्या कर लिया है कपिल तुमने खुद को? मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं डिप्रेस थी? मैं अपने दोस्तों के साथ तो जाओ ना। चिल्लाओ मत, जिसके साथ जाना है जाओ। कपिल जी प्लीज, आप चिल्ला नहीं सकते। पहली बात तो आप अभी होश में अभी अभी आए हो, आपको कुछ नहीं पता है। और जब नहीं पता होता है ना, तो एटलीस्ट इंसान को थोड़ी देर के लिए साइलेंट होना चाहिए। और प्लीज यार चिल्लाओ मत ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। धीरे बोलो, अभी अभी होश में आए हो, अभी पता नहीं है कि क्या हालत बना के रखी थी आपने। क्या हालत थी? रहने दो मुझे जैसे रहना है। तुम मुझे बताने वाली कोई नहीं होती हो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कोई नहीं होती, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझूंगा मैं, तुम्हारी सुनूंगा क्या मैं? किस हालत में थे कुछ अंदाजा है आपको? मर गया मैं किस हालत में? तब एक बियर दारू पीने से मर जाऊंगा मैं? हाँ और लोग नहीं पीते। इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया? बेन रोड पे वाली बात कर लो ना। रोड पे जिस हालत पे ये पड़ा था ना ये इंसान, मैं बता नहीं सकती किस हालत पे थे। कभी ये क्या तरीका है तुम्हारा, क्या हालत बनाओ खुद के तुम? ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं किस इंसान से मिल रही हूँ। और किस बात का आपको ये पीने का मन किया ये बता दो आप। बोलिए। क्या बोलूं? धीरे बोलिए। मैं धीरे नहीं बोलूंगा, तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आई ये बताओ बस। मैं यहाँ लेकर आई क्योंकि हालत नहीं थी, अकेले नहीं छोड़ सकती। जाओ ना, जिसके साथ घूमना है अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ। मुझे किसी के साथ नहीं जाना, वो फ्रेंड्स के साथ मैं गई थी, उसके बाद घूमी, घूमने के बाद मैं घर आ गई, जहाँ मेरी लाइफ है, जहाँ मेरा सब कुछ है, मैं वहाँ हूँ। उनके साथ नहीं, उनके साथ मेरा सिर्फ 3-4 दिन का सफर है यार। हाँ, वैसे भी मेरे साथ कोई मैच नहीं मिलता, मैं कुत्ता हूँ, जानवर हूँ, राक्षस हूँ, मेरे साथ कोई मैच नहीं मिलता तुम्हारा, ये बात ध्यान रखना। बोलती भी हो तुम वैसे भी। अब ऐसे बात नहीं करते पहली बार, और ठीक है, और जो भी दिक्कत है। मैं नहीं, तुम ही ये बातें छेड़ती हो। तो सुना लो ना जो भी सुनाना है, लेकिन जाओ उनके साथ। इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो मुझे जाने दो यार। किस हालत पे कुछ अंदाजा भी है? चला जाऊंगा, नहीं मर रहा। चुप हटो, चुप यही लेटो। बोल दिया जितना बोली तो सुन लिया करो ना। बोल दी बिना, तुम गेट बंद करो। तो बंद है गेट, जाएगा ही नहीं कहीं पे। बहुत इनको लग गई है ना एकदम से, पता नहीं क्या ये। तुम मुझे रोक नहीं सकती, नहीं। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी पे आ गया तो फिर बता दूंगा अभी।
क्या करोगे आप? क्या करूंगा? हाँ क्या करोगे? बताऊँ क्या करूंगा? हाँ बताइए, मारेंगे, सुनाएंगे, चिल्लाने का मन है, बोलो और क्या करने का मन? इससे बुरा तो मैं ये सब देख लूंगी, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो तो मैं नहीं देख पाऊंगी। प्लीज, मुझे ये चीजें बर्दाश्त है, बट वो नहीं बर्दाश्त है। मुझे वो बर्दाश्त, कब तक रोकोगी तुम मुझे? आज रोक लोगी, कल रोक लोगी? ऐसी कोई बात मेरे साथ थोड़ी रहोगी तुम? बात का पतंगड़ बना रहे हो, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उस बात का पतंगड़ बनाना चाह रहे हो। वो कुछ बात होती ना तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, मैं खुद चुप रहती कि हाँ मेरी गलती है, मुझे सुनाओ। लेकिन जब मेरी गलती नहीं है ना तो मैं नहीं सुन रही हूँ। अगर अगर आपको आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे सुनाना चाहिए तो प्लीज आप सुना, मैं उसके लिए भी बैठी हूँ। लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है, ये आप करो, ये मैं मंजूर नहीं करूंगी। गलती मेरी है सारी, गलती मेरी है सारी। मैंने अभी आप कुछ हालत पे, कल आप किस हालत पे रहो, कल क्या हो जाए, किसी को कुछ अंदाजा है ही नहीं। अंदाजा बोलो बोलो, क्या चाहते हो? कब तक साथ रहोगी तुम मेरी? मैं जब तक हूँ तब तक तो मेरा ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं ये सब चीजें ध्यान दू, मैं तब जाके नॉर्मल हूंगी। प्लीज आप बात को समझो, आपको नहीं पता आप किस हालत में मिले हो। इतना कौन पीता है ये बता दो, आप ये बता दो कौन पीता है इतना? वो ना होते तो पता ही नहीं चलता, वो ना होते तो मैं जी नहीं पाता, वो ना होते तो मैं वहां से आता ही नहीं, वहीं पे मर जाता मैं। किस तरीके से बात करो? हाँ बोल भी तो तुम ऐसे रही हो क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो ये बताओ, और रोना बंद करो। पहली बात तो रोना क्यों रोऊंगा, रो क्यों? हाथ हटा लो पहले तो, हाथ हटा लो। अच्छा ठीक है यार, जो बोलना है। ठीक है मैं इधर बैठूंगा। नहीं कहीं नहीं बैठना है, कहीं नहीं बैठना है, यही बैठो। उसको छोड़ दो, वो गिर जाएगा, रहने दो। तो दूर हटके बात कर लो, हाथ छोड़ दो मेरा। क्या चाहते हो ये बता दो आप, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? पहले रोना बंद करो। अरे मैं नहीं रो रहा। रोना बंद करो, मैं देख रही हूँ, काफी देर से देख रही हूँ मैं, मुझे पेन हो रहा है, मत करो ऐसे। क्या चाहते हो ये बता दो, बोलो। तुम क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एक दिन में सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे तो ठीक है, हो गया। कल आपने इतने बार वो किया था ना मैंने आपको, कि कपिल जी जिस दिन भी आपने बीड़ी पी, समझ लेना वो आखिरी दिन होगा। मैंने बीड़ी कब पी? आप मुझे क्या बताओगे? मैंने दी थी कसमें, आपने बोला था कि प्रिंसेस तुम, तुम्हारी सारी बात मानी जाएगी, तब तक क्या कहाँ गई वो सारी चीज? मैंने बीड़ी पी थी। नहीं पी, लेकिन लाए तो थे ना पीने के लिए। तो लाने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। लाने को कल मैं जहर ले आऊंगा, जहर खा लूंगा। आपने शराब के लिए भी मना किया था मुझे, ये भी बात याद रखना। आज आप जिस हालत में थे उस हालत में मुझे दोबारा मिलोगे तो मेरा क्या होगा, कुछ सोचा है एक बार? नहीं सोचा, क्योंकि आपको क्यों सोचना है? आपने शकुन जी के बारे में नहीं सोचा, आपने सचिन जी के बारे में, आपको किसी के बारे में नहीं सोचा, आपको बस जाके शराब पीनी है, ठीक है, वहां पे उस हालत में रहना है। आपकी तो बस लाइफ सेट है, बाकी जाए भाड़ में चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको? मैं तो हूं ही आपके लिए, तुमसे पता नहीं क्या। बोलो ना, बोलो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला ना। क्यों फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा? अभी आप पागल हैं जो इर्द गिर्द आपके घूम रहे हैं। कौन घूम रहा? मैंने बोला है मेरे पीछे घूमो, छोड़ दो मुझे अकेला। अच्छा तो यू हैव डिसाइडेड कि लाइक हमारे रिश्ते की जो भी चीजें होगी वो आप अकेले डिसाइड कर लो। अभी आपने कल तक के मेरे को क्या सब बोला था? प्रिंसेस तुम अकेले हर चीज नहीं कर सकती, ठीक? और अब आप बोल रहे हो कि रहने दो, तुम मत बोला कर, मैं अपना देख लूंगा, राइट? मैं पागल हूँ, कुछ भी बोल देता, गलती से मुझसे निकल गया होगा। अच्छा क्या चाहते हो ये बता दो। तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कहीं रहूंगी, रह लेना, ठीक है? सच में नहीं आऊंगा मैं, चली जाऊ सच में? सच में चली जाऊ। मैं जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। तो मत आना ना। हाँ हाँ, मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स थे, आपके लिए नजरों में क्या थे क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, फ्रेंड्स हैं। तो आप इतना इस तरीके से बर्ताव नहीं करते। मैं चार दिन से मेरी जो तबीयत खराब है वो मैं जानती हूँ, इंटरनली पेन्स किसी को नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई देता है तो बाहर का मुखौटा कैसे दिखाई देता है? किस बात का घुटना? मैं बताएंगी, बिकॉज मुझे आपकी केयर थी, मैं आपकी केयर कर रही थी, वो मेरी गलती थी कि मुझे यहाँ से बिना बताए चली गई, ब्लॉग नहीं डालती, मुझे पता ही नहीं चलता तुम कहाँ हो, फिर क्या होता? तुम बता के गई थी मुझे एक सेकंड कि कहाँ जा रही हूँ। एक सेकंड धीरे, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये चीज बोली थी उसी रात को, मैंने बिना ये चीज बोली थी ना,
बोली थी कि नहीं कि तुम बार बार ऐसे मेरे पास आओगे तो मुझे ना चाहते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा, ये चीज मैंने बोली थी। हाँ तुमने बोली थी, मैंने सुनी थी। तो अब बताओ क्या चाहिए आपको? ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूँ जाने। प्रॉपरली ठीक नहीं हो, सकुन जाएंगे वो लेके जाएंगे। ठीक है तो नहीं 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 कॉल करो उसे, कॉल करो उसे, अभी जाऊंगा मैं। कॉल नहीं कर रही हूँ अभी, मैं बोल रही हूँ कि मैं आ जाऊंगा। मुझे कॉल करने दो तो। वो खुद बोले क्या प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड के पास नहीं रुक सकते? नहीं रुक सकता। क्यों? कौन गर्लफ्रेंड? अच्छा कौन गर्लफ्रेंड बन गई अब मैं, लाइक सीरियसली? चुपचाप यहीं पे रहो, अभी इस हालत पे नहीं कहीं पे जा सको, और चुपचाप यहीं रहो। पता नहीं एक बियर पी ली उससे क्या हो जाएगा, इस हालत में नहीं। और हाँ ये सब ड्रामे में सालों से बीमार पड़ा हूँ। वो यहीं रहो, वो आ रहे हैं अब चले जाना। सीधा बैठा हूँ इसका मतलब मैं ठीक हूँ, ठीक है? नशा उतर गया, अब जाने दो मुझे, पहुंच जाऊंगा घर, पहुंच के कॉल कर दूंगा। मैं समझ गई हूँ। कुल मिला के आप मुझे कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो, बस सारी गलती तो मेरी है ना। मैं अगर अपने डिप्रेशन को दूर करने अपने फ्रेंड्स के हाथ को पकड़ ली तो भाई, अरे मैंने कुछ बोला है कि हाथ पकड़ने को? एक चीज समझ नहीं आता कपिल जी, जब सारी चीजें आपको बताई जाती उसके बावजूद आप मेरी बात को कैसे टाल सकते हो कि तुमने मुझे ये बोला नहीं, ये बताया नहीं? बता दो क्या मैंने उस रात को ये चीजें नहीं बोली थी? मैंने आपके ये चीजें क्लियर करके गई थी कि कपिल जी आप जिस तरीके से मेरे साथ रह रहे हो ना, मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ से जाने के बाद तुमने मुझे कितनी बार कॉल की? एक भी बार कॉल की है? यहाँ पे आ गई हो, दो दिन यहाँ हो गए, मुझे उस विशाल ने बताया है तब मुझे पता चला है, और मुझे ब्लॉक और कर दिया था तुमने यहाँ से जाने के बाद। ये क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? सब समझ में आ रहा है मेरे। दो दिन की बात है, तीन दिन भी नहीं हुए, तीसरे दिन तो मेरा आने का ही बस समय था बस। हाँ दो दिन में मेरी ये दुर्दशा करोगे, मेरे को ये नहीं सोचा था। मेरे को पता होता ना कि आप इस तरीके का भी सोच सकते हो मेरे बारे में, ट्रस्ट मी कहीं जाते ही नहीं, मैं यहीं पे पड़ी रहती। मैंने खुद बोला था तुम्हें जाने के लिए, मैंने मना नहीं किया था। लोगों के बारे में जब सुनती हो ना वो मुझे बुरा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है बुरा। आई गल समझ? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मत जाओ। तो मैं ये चीजें क्यों नहीं समझ रही हूँ कि मैं बाई कार गई थी यहाँ से, हम दिल्ली से वहां तक के गए, ठीक है? वहां से हम डायरेक्ट बाइक कार गए, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है मुझे ये बता दो। अरे गलती मेरी है। हाँ अब बाइक कार भी जाने में नेटवर्क कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं आपको देख नहीं रही हूँ। ब्लॉक कैसे डल रहे थे? ब्लॉक कैसे डल रहे थे तुम्हारे? दो दिन कोई ब्लॉक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? पर डे ब्लॉग आए तुम्हारे? दो दिन कोई ब्लॉग नहीं डाला है। यू कैन गो एंड चेक इट राइट नाउ, जाके चेक करो और फिर बोलना आके मेरे से। दो दिन नहीं डाला, एक ब्लॉग तो डाला, एक भी नहीं डाला तुमने। दो दिन कोई ब्लॉग, एक ब्लॉग डाला है नहीं डाला? दो दिन कोई ब्लॉग नहीं डाला है। अरे दो दिन की बात छोड़ा ना, तुमने एक भी ब्लॉग डाला है या नहीं डाला ये बताओ मुझे। धीरे बोलो, मैंने ब्लॉग कब डाला था आपको? तो उस वक्त कॉल नहीं कर सकती थी तुम? 8:30 बजे मैंने ब्लॉग डाला। रात के 8:30 बजे क्या मैं मर जाता हूँ सोता? तो मुझे ये क्या है भाई, मैंने जब आपको बोला था कि मैं कुछ दिनों तक के लिए ब्रेक चाहती हूँ और बात नहीं की तो उसमें क्या हो गया? तो फिर मुझे ब्लॉक क्यों किया था तुमने ये बताओ। तो ब्लॉक में क्यों की थी ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे डांटो, बोलो, मैं सुनने के लिए भी रेडी। ठीक है ब्लॉक कर दिया। फिर तुम यहाँ पे आ गई थी, मुझे यहाँ पे आने के बाद दो दिन हो गए थे, तुमने बताया क्यों नहीं? तो मैं क्या करती? हाँ मैं आती यहाँ बताती, आप तुरंत चले आते हैं, तुरंत आते, एक सेकंड का टाइम ना देती। मैं वीना को हैंडल कर लूँ, मैं उन लोग को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, वो लड़के हैं भाई, उनको मैं कितना भी बोल दूंगी भैया 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 कितना भी कर लूंगी ना, वो करेंगे यही आपके ही मन का, मैं कितना भी कर लूंगी। और एट लास्ट में उन्होंने यही चीजें की ना, यू टेल मी कि मैं क्या करूं, मेरे पास और क्या अदर ऑप्शन है? आप तो चले ही आते हैं यहाँ पे, आप आते हैं यहाँ पे, आप बात को समझते नहीं, और हुआ भी वही, आपने ना कोई बात मेरी समझी ना तो सुनी, आप आते तुरंत जाओ, तुम चले जाओ, ये करने लगे। आज क्या हालत की आपने एक बार भी मेरे से पूछा? मैंने बोला है मैं आपकी वजह से रोई हूँ कि आपने मुझे नहीं समझा कि मैं क्यों ये किया और क्या वजह थी मेरे ये करने की। मैंने सीधे सीधे बोला था कि आप कहीं ना कहीं मेरी वजह से अपनों से दूर जा रहे हो, सो प्लीज मुझे टाइम दो, साथ ही साथ में उनको भी दो, बराबर टाइम दो, उनके पास आप नहीं होते हो। और ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके पास हो जाओ एकदम से, मेरे पास मत आओ, ठीक है? मेरे कान मत खाओ, मुझे अकेला छोड़ना।
कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप तो मैं यहीं पे चुप हो जाओ, कान मत खाओ मेरे। मैं कुछ अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं जाना भी नहीं, और दिल दिमाग में जो भी है अभी निकाल दो, मेरे को डांटता है डांट लो। मैंने मुझे अब अकेला छोड़ दो, मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा, मुझे सो जाने। हाँ तो ठीक है, ठीक है तो हट जाओ, तुम दूर हट जाओ, मैं सो जाऊँ अभी ना, वो चद्दर देना तो। अरे मैं सो जाऊंगा, नहीं मर रहा, इतनी ठंड नहीं पड़ रही यार, के चद्दर तो बो दो। अब आराम से सो जाओ, जब उठ जाओ ना शकुन जी आ जाएंगे, मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है आप ले खाना ले यार, खाना खा लो, टाइम हो गया खाने का। ठीक है खा लूंगा, तुम अभी जाओ सो जाने दो पहले। तो आप आराम से सो जाओ ना, ऐसे कौन सोता है बैठे बैठे। यहाँ से उठोगी तभी तो आराम से सोऊंगा, पूरी दिक्कत मेरे से ही हो रही है आपको। हाँ कह रही प्रॉपर तरीके से सो जाओ, तो यार उसमें भी चिल्ला रहे हो, क्या क्या चाहते हो? ठीक है मैं सोता हूँ, तुम तो आराम से सो जाओ। मैं तो सो ना, उठ रही हूँ लेकिन आराम से सो जाओ, चिल्लाओ मत। अच्छा चलो सो रहा हूँ ना, मैं सो भी नहीं पाऊंगा, क्या बच्चा हूँ क्या यार मैं? कितना चिल्ला रही है बता दो, तुम्हें चिल्लाने का मन है? ठीक है लो चिल्लाओ, मैं सुन रही हूँ, चलो चिल्लाओ। अभी तो जा रही थी उठ के, फिर बैठ गई यार बड़ी। नहीं तो आपकी इच्छा हो रही है ना चिल्लाने की, तो चिल्ला लीजिए प्लीज। ठीक है मुझसे नहीं बोला जा रहा, क्यों परेशान कर रही हो? हाँ तो शांति से लेटो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। ठीक है जाओ।